Hello, children. How are you? I hope you all are doing good. Children, today I am going to narrate you a very interesting story of Fair Justice. Fair Justice is written by Premchand. Premchand was a great writer, he wrote many plays and essays. He also wrote in Urdu under the pen name of Nawab Rai. Godan, Nirmala, Namakka, Daruga are his some of the famous novels. Jumman and Algu were good friends. Their friendship was so strong. One looked after other's family in the absence of second friend. द विलेजर्स रिस्पेक्टेड बोथ ऑफ देम, जुम्मन एंड अलगू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे एक दूसरे की एब्सेंस में वो एक दूसरे की फैमिली को भी लुक लुकआफ्टर करते थे गांव वाले उन दोनों की ही बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे देर वॉज एन ओल्ड आंट ऑफ जुम्मन शी हैड सम प्रॉपर्टी शी था दैट जुम्मन वॉज हर ओनली रिलेटिव जुम्मन वॉज फ्यू सोशी ट्रांसफर्ट हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड लिव इन जुम्मन हाउस विथ हिम ही वुड लुक आफ्टर हर जो जुम्मन की आंट थी उन्होंने क्या सोचा कि जैसे जुम्मन उनको लुक आफ्टर करता है तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके नाम पर कर देंगी और दोनों में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि वो जुम्मन जो है अपनी आंट को देखेगा और आंट की जो प्रॉपर्टी है वो जुम्मन के नाम पर हो जाएगी आफ्टर सम टाइम्स जुम्मन वाइफ गेव हर फूड एन इंसल्टिंग मैनर इंसल्टिंग मैनर मींस जैसे वो उनका अपमान कर रही है द ओल्ड वुमेन वेप्ड एंड वेप्ड बट डिडंट से अ सिंगल वर्ड फॉर अ फ्यूम्स शी लिवड क्वाइटली नाउ हर पेशेंस हैज क्रॉस्ड इट्स लिमिट कुछ टाइम तक ओल्ड वुमेन ने कुछ नहीं कहा वो केवल रोती रही और चुपचाप जो भी उनकी इंसर्ट की जा रही थी उसको टॉलरेट कर रही थी लेकिन इस चीज की भी हद पार हो गई थी वन डे शी सेट टू जो मन माई डियर सन नाउ

हाउ टू रन द होम हिज आंट बिकेम वेरी एंग्री एंड डिसाइडेड टू गो टू पंचायत फॉर जस्ट 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 मीन्स न्याय के लिए जुम्मन ने क्या रिप्लाई करा कि धैर्य रखो मेरी पत्नी को सब कुछ पता है कि घर कैसे चलाते हैं अब आंट को गुस्सा आया तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो पंचायत के पास जाएंगे और अपना फैसला वहां सुनाएंगी अपना जो फैसला उनको पंचायत देगी उसको वो एक्सेप्ट करेंगी द आंट टोल्ड हर स्टोरी टू दिलेजर्स विजर्स शोड हर एंड समी सिंपेथी मीन्स सहानुभूति जब उन्होंने कुछ गांव वालों को अपनी कहानी बताई तो उनमें से कुछ ने उनके प्रति दया दिखाई जबकि कुछ लोग उनके ऊपर हंसने लगे एट लास्ट शी वेंट टू अलगू एंड टोल्ड हिम हर स्टोरी लिसनिंग हर स्टोरी अलगू स्पोक आंटी यू नो वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स आई कांट कान्ट सेम एनीथिंग जब अलगू को उन्होंने बताई तो अलगू ने क्या कहा हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं कुछ नहीं कह सकता द ओल्ड लेडीज सेट इट्स करेक्ट टू कीप साइलेंस एंड से नथिंग फॉर द सेक ऑफ जस्ट यू कैन कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ अलगू वॉज थिंकिंग दर्ड्स ऑफ द ओल्ड वुमेन आंटी ने क्या कहा कि क्या ये बात सही है कि इसके अगेंस्ट में न्याय के uh, फेवर में कुछ ना बोला जाए और चुपचाप रहा जाए नेक्स्ट डे पंचायत में बात होगी अलगू आंटी के वर्ड्स में जो है डीप थिंकिंग में चला गया ऑन द सेम इवनिंग द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द बैनियन ट्री जूमन सेट आई विल अग्री विद द पंच बिकॉज दे आर लाइक गॉड फॉर मी क्या कहा उसने कि जो पंचायत के शब्द होंगे मैं उनको एक्सेप्ट करूंगा, उनको मानूंगा क्योंकि वो वर्ड्स मेरे लिए भगवान के वर्ड्स होंगे आंटी चूज अलगू एज द हैडपंचल दो शी न्यू अबाउट देअर फ्रेंडशिप आंटी टोल्ड वट हैर आंटी ने अलगू को चूज किया हैडपंच की तरह से जबकि उनको पता था कि उन दोनों की बहुत घनी मित्रता है आंटी ने सब कुछ उनको बता दिया जो भी उनके साथ हुआ था अलगू आज टू जुम्मन वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस जुम्मन बिगिन टू से

नाउ शी वॉज डिमांडिंग मंथली अलाउंस फ्रॉम मी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी दैट ऑल क्या कहा उसने कि मैं जो कुछ कर सकता था मैं उनके लिए मैंने किया अब ये मेरी पत्नी के साथ में झगड़ा करती हैं और उससे भी ज्यादा क्या है कि मंथली अलाउंस मुझसे ये मांग रही है जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अलगू एंड अदर पंच क्रॉस एग्जामिंड जुम्मन देन अलगू गेव हिज डिसीजन क्रॉस एग्जामिन किया गया और उसके बाद उसने अपना डिसीजन दिया जुम्मन मस्ट पे मंथली अलायंस टू हिज आंट अदरवाइज ही हैज गिव बैक प्रॉपर्टी टू हर क्या डिसीजन दिया गया कि जुम्मन को मंथली अलायंस देना पड़ेगा नहीं तो जो प्रॉपर्टी है वो आंटी की वापस आंटी को मिल जाएगी दिस जस्ट हैज ब्रोकन द फ्रेंडशिप ऑफ जुम्मन एंड अलगू इनफैक्ट जुम्मन वॉन्टेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम अलगू अब दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो क्या हुआ टूट गया और अब जुम्मन जो है अलगू से बदला लेना चाहता था तो देखा बच्चों आपने यहाँ पर दोनों दोस्तों के बीच में जो फैसला लिया गया उससे किस तरीके से दोनों के बीच में दरार हो गई और दोनों जो फास्ट फ्रेंड थे दे बिकेम एनिमी सो आई होप यू हैव इंजॉयड द स्टोरी नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज यू कैन रिवाइज इट you uh -huh.